फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लोग टाइफाइड के विषय में यूट्यूब पर ढूंढने आ रहे हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला है टाइफाइड के विषय में। आप यदि एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट जाएंगे, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो बड़े से बड़े डॉक्टर्स जिनको फी देकर जो जानकारी लेंगे वो शायद आपको पूरी ना भी मिल पाए, लेकिन ये वीडियो आपको पूरी जानकारी देगा। तो साइंटिफिक रहिए और सुनिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले टाइफाइड होता क्यों है, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूँ। पिछले वीडियोस में मेरे जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उनको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। टाइफाइड होता क्यों है, टाइफाइड एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसके दो तीन और सबटाइप्स होते हैं, पैराटाइफी ए, पैराटाइफी बी। तो साल्मोनेला टाइफी की वजह से जब ये मुंह के रास्ते हमारे शरीर में जाता है और फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो उसे हम टाइफाइड इंफेक्शन कहते हैं। टाइफाइड इंफेक्शन की वजह से अब आता है बात की कैसे फैलता है, तो ये गंदे पानी, गंदे खाने, गंदे हाथ, इनके थ्रू मुंह के रास्ते जाता है। एक दूसरे को छूने होने से टाइफाइड नहीं होता। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में, उनको भी मैं आज तोड़ने वाला हूं यदि आप ध्यान से सुने तो। तो टाइफाइड लक्षण क्या होते हैं, टाइफाइड का जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है बुखार, सिर दर्द होना, उल्टियां होना, उल्टी का जी करना, भूख ना लगना और कभी कभार लिवर में संक्रमण होने की वजह से इंसान को पीलिया हो सकता है और बहुत रेयरली ब्रेन में, खासकर बच्चों के ब्रेन में जाकर टाइफाइड एन्केफेलोपैथी जिसे कहते हैं, जिसे बच्चे बेहोश हो सकते हैं, वो होता है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। और यदि टाइफाइड पुराना टाइफाइड जो पुराने जमाने में जो होता था कुछ सालों पहले तक, जब दवाई नहीं आएगी टाइफाइड की, तो परफोरेशन इंटेस्टिन में छेद होने की संभावना रहती थी। आजकल भी बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन ऐसा आज भी हो जाता है कभी कभार, खासकर बच्चों के केसेस में टाइफाइड की वजह से परफोरेशन। एक बहुत भ्रांति है कि पुराना टाइफाइड है, मुझे एक साल से नहीं हो रहा, दो साल से नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे इस वीडियो में के नीचे पड़े हुए हैं, तो उसके विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में क्या टाइफाइड पुराना होता है, या ऐसा होता है क्या कि टाइफाइड का कोई मरीज महीनों तक, सालों तक बना रहे। तो इसके विषय में बहुत ध्यान से समझना कि क्या होता है दरअसल। तो देखिए, टाइफाइड का बुखार यदि आप कोई भी दवा नहीं लेंगे तो भी बहुत संभावना है कि 30 दिन में ठीक ही हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड की कीटाणु बॉडी इम्यूनिटी मार देगी, लेकिन आप दवा नहीं लेंगे टाइफाइड के कीटाणु को मारने की तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आपको, जैसे कि आंतों में परफोरेशन होना मैंने बताया। लेकिन आपने यदि एडिक्वेटली टाइफाइड को मारने की जो एंटीबायोटिक्स आती है, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में सिफिक्सिन दी जाती है, ओफ्लॉक्सिसिन दी जाती है, एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है, तो यदि आपने एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम में ली है, जो कि 5 से लेके 10-12 दिन तक दी जाती है, कभी कभार 14 दिन तक दी जाती है, यदि वो लिया है तो टाइफाइड कीटाणु खत्म हो जाएगा। कुछ केसेस में जहां कॉम्प्लिकेटेड होता है वहां पर इंजेक्टेबल्स के रूप में दिया जाता है, जैसे कि सेफ्ट्राइजोन जैसी दवाएं दी जाती है, ओफ्लॉक्सिसिन आईवी दी जाती है, लेकिन इसके बाद टाइफाइड पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाता है टाइफाइड की। लेकिन फिर भी कई लोगों को क्यों लगता रहता है कि उनको टाइफाइड बार बार हो रहा है या टाइफाइड की वजह से वो अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, उसकी वजह यह है कि टाइफाइड की जांच जो है टाइफाइड की, वो कॉमनली जो होता है विडाल टेस्ट या आजकल एक किट टेस्ट होने लगा है, दोनों में ही टाइफाइड की जांच गलत आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आपको मलेरिया हुआ, कोई दूसरा इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसमें भी टाइफाइड की जांच पॉजिटिव हो सकती है, एक चीज। दूसरा, यदि आपको पहले टाइफाइड कभी हुआ था तो भी महीनों तक ये जांच पॉजिटिव बनी रह सकती है, भले वो कीटाणु टाइफाइड का आपके ब्लड से खत्म हो गया हो। टाइफाइड कीटाणु यदि ब्लड से आपके खत्म हो गया है, आपके बॉडी से खत्म हो गया है, तो आप टाइफाइड से क्योर्ड हैं, ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं, जब तक कि आप कोई नया इन्फेक्शन ना लें। ठीक है, हालांकि बावजूद इसके आपका जो ब्लड टेस्ट है वो पॉजिटिव दिखा सकता है। तो इसकी जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस होती है वो ब्लड कल्चर में यदि टाइफाइड साल्मोनेला दिख रहा है तभी आपको टाइफाइड माना जाना चाहिए। तो विडाल टेस्ट मिसनॉमर है, एक मिथ है, एक गलत है बहुत हद तक। इसको पूरे लक्षणों के साथ में मिलाकर ही डॉक्टर के जजमेंट के साथ लिया जाए तभी उसका महत्व है, अदरवाइज अकेले विडाल टेस्ट के आधार पर यदि आपको लगता है कि आप टाइफाइड से ग्रसित हैं तो दरअसल टाइफाइड आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है, ना कि एक्चुअल में आप टाइफाइड से ग्रसित हैं। क्या टाइफाइड से बचाव है ऐसे मरीज खास, एक तो बच्चों को 9 मंथ्स की एज के बाद से टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन आ गया है जो कि 1700-1800 रुपए का होता है और ये किसी भी शिशु रोग विशेषज्ञ के पास लगवाया जा सकता है बच्चों को 9 मंथ्स की एज के बाद। बड़े भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं, खासकर वो लोग जिनको लग रहा है कि उनको बार बार टाइफाइड हो रहा है, या वो लोग जो कि बाहर खाने के आदि है, बहुत बाहर खाते हैं। यदि आप साफ सुथरा खाना खाएंगे, पानी साफ रखेंगे, हाथ साफ रखेंगे तो टाइफाइड होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी हो जाए तो आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है और इसका टीका लगा के आप बचाव कर सकते हैं। इसका टीका 5 साल तक प्रोटेक्शन आपको एटलीस्ट देगा, ठीक है, काफी हद तक 90% जो कि बहुत अच्छी एफिकेसी है इसकी, और कुछ असर 5 ईयर्स के बाद भी बना रहता है।
साथ ही साथ में इसके अतिरिक्त आपके कोई भी क्वेश्चन हो, मैं उसके कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन होगा मैं उसका जवाब दूंगा। एक क्वेश्चन और, टाइफाइड में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी बहुत भ्रांति है। टाइफाइड में भूख कम हो जाती है, ऐसे में जरूरी है कि आपको जो अच्छा लग रहा हो वो जरूर खाएं। कुकर की सीटी बार बार बज रही है। आप कुछ भी नहीं खाएंगे, कम खाएंगे, उससे बेहतर है कि कुछ खाएं, वो कुछ भी हो, दाल चावल सब्जी रोटी फल दूध सब खा सकते हैं। इसका साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आपको कैलोरी जाना चाहिए, बीमारी के समय आप जब कैलोरीज प्रोटीन एक बैलेंस डाइट लेंगे तो जल्दी ठीक होंगे, जल्दी आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी और उससे ठीक होंगे। तो ये थी जानकारी टाइफाइड के विषय में। होप करता हूं कि आपको साइंस समझ आया होगा, कुछ फिर भी भ्रांतियां हो कन्विंस नहीं हो क्वेश्चन लिखे, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने देखा है कि लोग पूर्व धारणाओं से बहुत सारे लोग यहां पर विचरण करते रहते हैं और उनकी अपनी पूर्व धारणा को तोड़ना भी नहीं चाहते, साइंस को सुनना भी नहीं चाहते और फॉलो भी नहीं करना चाहते। तो कोई भी क्वेश्चन हो मैं रेडी हूं जवाब देने के लिए। थैंक यू।